हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज मेरे पास एक प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, तो कुछ कारण वजह से मैं इसका जो एड्रेस है वो आपको नहीं दिखा रहा हूँ, सेफ्टी रीजन के वजह से। किन लोगों को भी अच्छा लगता है, किन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है वो बोलते हैं कि आप हमारा नाम नंबर मत रिवील कीजिए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कहाँ से आया है, कौन भेजे हैं, क्या क्या भेजे हैं। तो ये दोस्तों, ये आया है बंगाल से आया है, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर में, बॉक्स के अंदर में क्या है, क्या रिपेयर होने आया है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से खोल लेता हूँ, देखते हैं कौन सा ऊपर साइड है, कौन सा बैक साइड है, ठीक है। तो ओपन बाय दिस साइड उन्होंने लिख के रखे हैं, देखते हैं, मतलब भर भर के यहाँ पे सेलोटेप लगा के रखे हैं, फटाफट काट लेते हैं। तो थैंक यू सर फॉर हेल्पिंग मी, स्पेशल थैंक्स टू योर यूट्यूब चैनल, आपका सब्सक्रिप्शन, लॉट्स ऑफ लव, ठीक है। तो इसके अंदर में एड्रेस है वो मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, थैंक यू सर। तो इन्होंने फोम के साथ भेजे हैं, और ये है दोस्तों आपकी जो बोर्ड की होम थिएटर होती है उसी की किट है। इसमें ये रिमोट है, इसमें इसकी सेंसर है, ठीक है, और ये छोटी सी फोम है बॉक्स के अंदर में, और कुछ नहीं है, ठीक है। और जाते टाइम बाद में ही इसी अंदर में भर के भेजेंगे, ठीक है। तो ये है बोर्ड, इसकी बोर्ड में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो इसकी रिपेयरिंग वीडियो आपके पास आएगी, ठीक है। बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आपकी जो बोर्ड एवंती बार है उसका जो मदरबोर्ड है उसमें जब आईसी ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर में वीडियो लाने के लिए। तो एक वीडियो लाया था, उसमें वो कम्प्लीट नहीं हो पाया कस्टमर की वजह से, कस्टमर नहीं चाहते थे कि उसको रिपेयर करे। तो ये रही वो पीसीबी, और जिसके आपको दिख रहा है यहाँ पे आईसी फटा हुआ है, ठीक है। ये आईसी जो होती है ये फटी रहती है, और इसका फटने का जो रीज़न होता है दोस्तों, इसका पावर सेक्शन में फॉल्ट होता है। पावर सेक्शन में अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो ये फट जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ कंपोनेंट काली पड़ी है। तो सबसे पहले तो सेटिंग देखेंगे, और यहाँ पर दो स्पीकर के लिए है, ये दो पॉइंट ऑप्टोकपलर पावर मोस्फेट, और यहाँ पे ये आईसी फटा हुआ है, और ये मेन आईसी है, को ऑन करेंगे तभी पता चलेगा इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। और इस ये आईसी मिल जाता है, लेकिन ये आईसी नहीं मिलता है। उसके बाद ये रिमोट है, रिमोट का काम बाद में देखेंगे, और उसके बाद मेन काम होता है इसका सेंसर का, ठीक है। ये सेंसर को खोल लेते हैं, इसको रखेंगे बाद में, ये फिलहाल के लिए कुछ काम का नहीं है। तो जो है यहाँ पर है, सबसे पहले तो शॉर्टिंग चेक करेंगे, ठीक है। शॉर्टिंग चेक करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद जो इसकी वीडियो आएगी उसमें पूरी डिटेल रहेगा। ज़्यादातर इसकी जो स्पीकर पॉइंट है वहाँ पे शॉर्टिंग आती है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, यानी कि ये आईसी पूरी तरह से गल चुकी है। पावर मॉस्फेट में शॉर्टिंग नहीं है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर है सब चेक कर लेंगे, रजिस्टर वैल्यू आ रहा है, शॉर्टिंग कहीं पर भी नहीं है। पहला जो बोर्ड मैंने रिपेयर किया था उसमें शॉर्टिंग था, पता चल जा रहा था, लेकिन इसमें शॉर्टिंग नहीं है। इसमें आईसी उड़ा है और बंद हो गया है, उसके साथ ही साथ देखना पड़ेगा ट्रैक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो अगर ट्रैक में प्रॉब्लम हो गया होगा, जी हाँ दोस्तों, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पिन के साथ ही ये गल चुका है, दो तीन पिन गल चुका है, ठीक है। इसकी जो नंबर है मैं आपको दिखाऊँगा, तो थोड़ा सा थिनर दे के कि नंबर क्या है वो पता कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोल रहा था कि यहाँ पे पावर सेक्शन का फॉल्ट है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पावर सेक्शन में आपका एक कैपेसिटर फटा फुला हुआ है, ठीक है, फटा हुआ है एक, और नीचे की तरफ से इसकी माल मटेरियल निकल गई है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, इसमें हाई वोल्टेज हाई करंट गया है, और हाई करंट से आगे पास होकर फिल्टर के जो वैल्यू है वो 35 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड, 35 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आ गया है, इसी वजह से ये कैपेसिटर फट गया है। तो इसी वजह से क्या होगा कि इसके आगे में हाई वोल्टेज गया है और ये आईसी उड़ गई है, जो कि ये ऑडियो आईसी है, ठीक है। तो ये आईसी क्यों बच गया, तो ये आईसी बचने का इंटरनली प्रॉब्लम हो सकता है, मैं नहीं बोल सकता कि इंटरनल प्रॉब्लम नहीं हुआ है, क्योंकि पहले वाले बोर्ड में इंटरनली प्रॉब्लम हो चुका था। और क्यों, इसके वजह से क्या होता है, ये बच कैसे जाता है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एक आईसी होती है जो कि हाई करंट को
5 वोल्ट में कन्वर्ट करके आप आगे भेजता है, ठीक है। तो यहाँ से फीडबैक मिलता है, तो ये 5 वोल्ट इसमें आउटपुट कराता है, ये जो आईसी देख रहे हैं दोस्तों 8 पिन वाला, ठीक है। तो ये भेजता है, तो ये क्या करता है, ये 35-40 वोल्ट ऊपर जब आ गया वोल्टेज, तो ये तो कैच कर लिया और 5 वोल्ट आगे देके इस आईसी को बचा दिया। लेकिन ये आईसी क्या होता है दोस्तों, ये 24 वोल्ट में रन करता है, ठीक है। तो 24 वोल्टेज अगर हाई वोल्टेज चला आता है, तो ये आईसी देखिए दोस्तों, इसकी हालत देखिए, इसकी पिन सब दोनों तरफ से जल चुकी है, ठीक है। तो ये आईसी को एसएमडी सेशन से इसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे, और इस कैपेसिटर का हाल भी आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको चेंज करेंगे, यानी कि इस बगल वाले को भी चेंज करना पड़ेगा। दोनों आराम से पैरेलल या सीरीज में कनेक्शन होते हैं, तो एक इफेक्ट होता है तो दूसरा भी होता है। और इसके साथ दो कंपोनेंट में काला पड़ गया है, तो उसमें भी हम चेक करेंगे दोस्तों कि ये कैपेसिटर सही है कि नहीं, रेजिस्टेंस सही है कि नहीं, क्या है कि नहीं। तो उसके बाद ही हम TL431 एक्टिव है लगाया होता है, जो कि ऑक्टो कपलर को ट्रिगर करता है, वो भी हम चेक करेंगे, ऑक्टो कपलर को भी चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये पावर सेक्शन ओके नहीं रहता है, तो फिर हम इस वाले मॉड्यूल को चेंज करके हटा के दूसरी मॉड्यूल लगा देंगे। तो सबसे दिक्कत जो आती है दोस्तों, ये जो 6 पिन वाली जो पावर मॉड्यूल वाला जो आते हैं, ये ख़राब होते हैं ज़्यादातर, तो ठीक है। तो किसी वजह से तो हाई वोल्टेज गया है, तो चले। तो आज के वीडियो में मैं यहीं तक रखूँगा, तो इसकी वीडियो आएगी, तो ये एक छोटी सी अनबॉक्सिंग था, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या किस किस में काम करना पड़ेगा, इस वाली वीडियो में मैंने क्लियर किया, कवर किया, ठीक है दोस्तों। तो इतने सारे चीज़ आया है, रिसीव हुआ है, रिमोट सब बाद में खोलेंगे, इसका अभी फ़िलहाल काम नहीं है। तो सबसे पहले तो इसकी आईसी रिमूव करेंगे, कैपेसिटर को चेक करेंगे, और इसकी पावर सेक्शन को मैं 24 वोल्ट जैसे भी करके लाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्राउंड और 24 वोल्ट यहाँ पे पीछे लिखा गया है, तो इसी वजह से क्या होता है कि 24 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, ये इसको हीट करके इसको निकालेंगे, बहुत कुछ काम है इसमें। तो हाय दोस्तों, छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो, आप सबकी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।